आज हमने बुक एग्जीबिशन लगाई है, पोस्टर एग्जीबिशन लगाई है, कॉमन स्टूडेंट्स के बीच में पर्चा बांटा है। आपको पता हो परसों 23 मार्च है और 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 91वां शहादत दिवस है और हमें लगता है कि उन शहीदों ने जिस तरह के समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी शहादत दी थी, उस तरह का समाज आज नहीं बन पाया है, तो उसको बनाने की जिम्मेदारी आज के नौजवानों की बनती है हमें लगता है। दूसरा, आज की जो समस्याएँ हैं उनके खिलाफ हमें उसी जज्बे के साथ खड़े होना चाहिए, उनसे उसी जज्बे के साथ जूझना चाहिए जिस जज्बे के साथ भगत सिंह और उनके साथी जूझे थे अपने टाइम में। तो इसी रूप में हमें लगता है कि हम भगत सिंह और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं इसी रूप में संघर्षों के रास्ते से। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज हैं, जैसे ये भगत सिंह और उनके साथियों का आज तक जो भी पत्र दस्तावेज उनके उपलब्ध हो पाए हैं वो सारे इसमें हैं। भगत सिंह और उनके साथियों की जेल डायरी है, भगत सिंह ने जो जेल डायरी लिखी थी वो है। इसके अलावा एक प्रख्यात इतिहासकार हैं एस इरफान हबीब, उन्होंने लिखा था बहरों को सुनाने के लिए। मतलब भगत सिंह और इनके बटुकेश्वर दत्त ने जब बम फेंका था उसका टाइटल ही ये था कि भाई वेला एक क्रांतिकारी थे, उनका एक वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। उस टाइम जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ रही थी उसके खिलाफ भगत सिंह ने बम विस्फोट किया था, जिसको गांधी ने अपोज किया था। और फिर उसका जवाब देते हुए भगत सिंह और उनके साथियों ने लिखा था बम का दर्शन, कि हमारे लिए बम फेंकने का मतलब क्या है, बम का दर्शन क्या है। असल में गांधी ने बोला था ना कि भाई आजकल के नौजवान तो बम की पूजा करने लगे, और कल्ट ऑफ बम के नाम से उन्होंने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था।